स्टडी। आज की ऑनलाइन स्टडी में हम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर नंबर 1 का न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका नाम है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायोड। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डायोड के बारे में स्टडी करा था, नॉर्मल डायोड के बारे में। उसके बाद हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स के रेक्टिफायर के बारे में पढ़ा था, फिर फिल्टर्स, ये सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। अब आज का जो टॉपिक है, और ये कह लीजिए कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, जिसका नाम है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायोड। ठीक है, तो फर्स्ट आपका पावर डायोड, फिर उसके बाद जेनर डायोड आता है, वैरेक्टर डायोड होगा, पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड, टनल डायोड, LED मतलब लाइट एमिटिंग डायोड, और फोटो डायोड। तो बारी बारी से थोड़ा सा हम इसकी स्टडी करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे पावर डायोड के बारे में कि पावर डायोड क्या होता है। पावर डायोड का मतलब नाम ही से पता चल रहा होगा कि वैसा डायोड जो हाई वोल्टेज और हाई पावर, मतलब कि हाई पावर तथा हाई टेम्परेचर वाले एप्लीकेशन के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, इसके नाम से ही पता चलता है। और अगर हम दूसरा जेनर डायोड की बात करें, तो जेनर डायोड क्या होता है, ये एक ऐसा पीएन जंक्शन डायोड है जिन्हें ब्रेकडाउन रीजन में वर्क करने के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, मतलब इस चीज़ को समझने के लिए आप लोग नॉर्मल डायोड में पढ़ा होगा आप लोगों ने कि जब रिवर्स बायस था डायोड, तो क्या होता था कि स्टार्टिंग में लीकेज करंट फ्लो होता था, है ना। बट जब हम क्या करते थे कि ब्रेकडाउन कर देते थे, इतनी वोल्टेज बढ़ा इंक्रीज कर देते थे कि वो जंक्शन ब्रेकडाउन कर जाता था और लार्ज अमाउंट में करंट फ्लो होना शुरू हो जाता था। ठीक है, तो वो उस स्टेज के लिए हम जेनर डायोड का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसी स्टेज के लिए स्पेशली इसको डिज़ाइन किया जाता है। और इसका जो यूज़ है ज़्यादातर, मतलब मोस्टली वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट में किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप नॉर्मल देखोगे जेनर डायोड का सिंबल को, अगर आप ध्यान से देखो, तो अगर हम नॉर्मल डायोड की बात करें तो उसका सिंबल इस तरीके से होता था। ठीक है, दिस इज़ पी साइड और दिस इज़ एन साइड, है ना। लेकिन जेनर डायोड में क्या डिफरेंस है कि जो आपका एन साइड है, आप देखो इस तरीके से है। ठीक है, इस तरीके से आपका एन साइड होता है। ठीक है, और बाकी कैसे इसको वोल्टेज रेगुलेटर की तरह वर्क किया जाता है, इसकी बाकायदा सर्किट है और उसकी एनालिसिस है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसका प्रिपेयर कर दूंगी। अब हम पढ़ेंगे VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनर डायोड। ठीक है, तो VI कैरेक्टरिस्टिक देखिए क्या होता है। जेनर डायोड के VI कैरेक्टरिस्टिक नॉर्मल डायोड की तरह होते हैं। ठीक है, वैसा ही होता है, बट मेन डिफरेंस यह है कि इसकी ब्रेकडाउन कर्व अधिक शार्प होती है। हाँ, ये बात सही है कि इसकी जो ब्रेकडाउन कर्व होती है वो अधिक शार्प होती है। ठीक है, जैसे आप नॉर्मल डायोड में आप लोगों ने पढ़ा था रिवर्स बायस के केस में देखा होगा कि जब हम वोल्टेज इंक्रीज करते चले जाते हैं तो ब्रेकडाउन होता है, एवलेंचे ब्रेक, हाई वोल्टेज की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे ब्रेकडाउन होता था। लेकिन जेनर डायोड के केस में क्या होता है, कम ही वोल्टेज पे वो ब्रेकडाउन कर जाएगा और उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक उसके कंपेरिजन थोड़ी सी शार्प होगी। ठीक है, दूसरा जेनर डायोड के ऑपरेटिंग रीज़न में ब्रेकडाउन वोल्टेज लगभग कांस्टेंट रहती है। तो ये तो सही कि ब्रेकडाउन वोल्टेज जो जेनर डायोड के लिए फिक्स होती है, जैसे मान लीजिए 6 वोल्ट है, 6 to 8 वोल्ट, तो वो उतनी वोल्टेज मिलेगी तभी जा करके वो क्या करेगा, आपका ब्रेकडाउन करेगा। एप्लीकेशन मैंने पहले भी यहाँ भी बताया था कि इसको वोल्टेज रेगुलेटर की तरह वर्क लिया जाता है। ठीक है, अब देखिए, ये मैंने उसका कैरेक्टरिस्टिक बनाया हुआ, ये है VZ, मतलब कि ये जेनर वोल्टेज, इतने वोल्टेज इस यहाँ पर आके, जब हम जेनर वोल्टेज अप्लाई देते हैं, जेनर वोल्टेज पर ये क्या कर जाता है, आपका डिवाइस ब्रेकडाउन कर जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे देखेंगे, आगे कौन सा डायोड है वो देखना है हमें, है ना। आगे जो डायोड है आपका, नेक्स्ट डायोड है, वो है वैरेक्टर डायोड। तो वैरेक्टर डायोड क्या होता है, देखिए ये भी बहुत ही डिफरेंट टाइप का डायोड है, इसको वेरिकैप भी कहा जाता है। तो ये एक ऐसा पीएन जंक्शन डायोड है जिसे वोल्टेज डिपेंडेंट वेरिएबल कैपेसिटर की तरह वर्क की लिया जाता है। वोल्टेज डिपेंडेंट वेरिएबल कैपेसिटर वो कैसे लेंगे, वो चीज़ आप देखिए कि जब भी कभी भी एक वोल्टेज डिपेंडेंट वेरिएबल कैपेसिटर की तरह वर्क कराना हो, तो उस समय हम वैरेक्टर डायोड का यूज़ करते हैं। वो कैसे, आप लोगों ने पढ़ा होगा जब मैं रिवर्स बायस पढ़ा रही थी डायोड का, तो जब रिवर्स वोल्टेज हम इंक्रीज करते थे बढ़ाने से स्टार्टिंग में, तो डिप्लेशन लेयर की विड्थ क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, स्टार्टिंग में क्या हो रही थी, बढ़ती जा रही थी, क्योंकि और भी जंक्शन आपका क्या हो रहा था, बढ़ता जा रहा था, मतलब जंक्शन क्या होता है, रिवर्स बायस की ओर इंक्रीज़ कर रहा था, और डिप्लेशन जो लेयर है वो इसकी विड्थ बढ़ गई।
ठीक है, जिससे कि कह लीजिए कि वहाँ पे कैपेसिटेंस रिड्यूस हो जाता है। अब आपको पता होगा ये, अगर आप फॉर्मूला जानते हो, सी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/D, यानी कि रिवर्स वोल्टेज मैंने थोड़ी सी इंक्रीज करी तो जो डिप्लेशन लेयर है उसकी विड्थ है वो क्या हो गई, थोड़ी सी इंक्रीज हो गई, है ना। क्योंकि उसमें होता क्या था, जब मैं डायोड पढ़ा रही थी रिवर्स बायस के केस में, कि अगर मैंने थोड़ा भी रिवर्स वोल्टेज इंक्रीज़ किया तो जो चार्ज कैरियर थे वो बैटरी की ओर रिपल, मतलब चार्ज कैरियर वो जंक्शन को क्रॉस नहीं कर रहे थे बल्कि बैटरी की ओर वापस रिपल हो जाते थे। ठीक है, वो अलग का केस था कि जब हम बहुत ज़्यादा वोल्टेज बढ़ा देते थे एक एवलेंचे ब्रेकडाउन के मतलब एवलेंचे ब्रेकडाउन की बराबर हम जब वोल्टेज बढ़ा देते थे तो उस केस में एवलेंचे ब्रेकडाउन हो जाता था, तब वो केसेस होती थी कि माइनॉरिटी कैरियर मेजॉरिटी कैरियर के बराबर हो गया, तो वो सब चीज़ें अलग की थी। लेकिन यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि थोड़ा सा मैं रिवर्स वोल्टेज बढ़ा रही हूँ तो उस केस में जो डिप्लेशन रीज़न है वो इंक्रीज़ हुई, और इंक्रीज़ करने के कारण जो कैपेसिटेंस है वो क्या हो गया, डिक्रीज़ कर गया। ठीक है, कैपेसिटेंस डिक्रीज़ कर गया, तो वही चीज़ है कि कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ रिवर्स वोल्टेज। तो इस तरीके से हम कैपेसिटर की तरह वर्क ले सकते हैं, इसका बस यही चीज़ है। और अगर आप कैरेक्टरिस्टिक देखते हो तो ये देखिए कैरेक्टरिस्टिक, इधर कैपेसिटर है ठीक है पीको फैरेट में, और यहाँ पर रिवर्स वोल्टेज है, और यहाँ पर जो कर्व दिख रहा है हमें कि रिवर्स वोल्टेज, मान लीजिए सबसे मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज है, जैसे जैसे आप क्या कर रहे हो ये भी देखिए, यहाँ मिनिमम रिवर्स वोल्टेज आप इंक्रीज़ करते चले जा रहे हो, इंक्रीज़ करते चले जा रहे हो, तो ये जो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज़ करती चली जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ से आप क्या कर रहे हो, वोल्टेज इंक्रीज़ कर रहे हो रिवर्स वोल्टेज में, तो आप देखो, आप ध्यान से देखना कि कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो रही है, कम होती चली जा रही है। इस तरीके से कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो रही है, कम होती चली जा रही है। ठीक है, ये इस तरीके से। अब अगर इसका सिंबल देखो तो सिंबल ऐसा बनेगा इसका, इसको आपको लर्न करना पड़ेगा कि सिंबल इस तरीके से इसका बनता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जिस इसका पहले एप्लीकेशन आप देख लो। फर्स्ट एप्लीकेशन यानी कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, इन ट्यून सर्किट में, इन एफएम मॉड्यूलेशन में, एफएम मॉड्यूलेशन में भी वहाँ यूज़ किया जाता है। कैसे, वहाँ पे ना एक्चुअली जब नॉब से हम मूवमेंट करते, नॉब को घुमाते हैं तो वहाँ पे कैपेसिटेंस क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे इसका ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, और मिक्सर में इसका यूज़ किया जाता है। मतलब टोटली मिला के कहने का मतलब कि कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में वैरेक्टर डायोड का ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। ठीक है, जहाँ पर ट्यूनिंग का काम लिया जाए। अब नेक्स्ट जो डायोड है जिसका नाम है टनल डायोड, है ना। टनल डायोड क्या होता है, वह पीएन जंक्शन डायोड होते हैं जिसमें बहुत अधिक इम्प्योरिटी की डोपिंग के कारण टनलिंग प्रोसेस होती है। अब जैसे नॉर्मल डायोड की अगर हम बात करें तो इम्प्योरिटी होता है, तो उस केस में हम लोगों ने देखा था कि अगर फॉरवर्ड बायस था, उस केस की मैं बात करती हूँ नॉर्मल डायोड की, तो हम लोगों ने देखा था कि फॉरवर्ड बायस में भी जब तक 0.7 वोल्ट सिलिकन के लिए और जब तक जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट नहीं हो, तब तक वो कंडक्टिंग मोड में नहीं आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा टनल डायोड में, कि नॉर्मल डायोड के कंपैरिजन इसकी इम्प्योरिटी इसमें ज़्यादा मिक्स कर देंगे। अब जब इम्प्योरिटी ज़्यादा मिक्स कर देंगे तो जाहिर सी बात है उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, पहले के कंपैरिजन बढ़ जाएगी, है ना। मतलब कि हम 0.7 वोल्ट ने जो हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं 0.7 के पहले, यानी कि उसके काफ़ी पहले ही क्या होता है, आपका जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस हो जाता है। ठीक है, उसके पहले ही आपका डायोड क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। अब इसको मैं कर्व से दिखाना चाहूँगी, तो ये टनल डायोड का पहले आप देख लो सिंबल बना हुआ इस तरीके से, है ना। यूँ ये मेन सिंबल है, पी साइड, दिस इज़ पी साइड और दिस इज़ एन साइड, इस तरीके का टनल डायोड का सिंबल हुआ। मीनिंग ऑफ टनलिंग वही मैंने बताया है कि जैसा कि हम जानते हैं कि हाई डोपिंग के कारण डिप्लेशन रीजन की विड्थ बहुत कम हो जाती है, जो मैंने बताया वही चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है कि जब हाई डोपिंग कर देते तो जो डिप्लेशन रीजन की विड्थ बहुत कम हो जाएगी, है ना। जैसे नॉर्मल डायोड में आप देखते थे कि इस तरीके से मैं बनाती थी ना, ये मान लीजिए पी था और यहाँ पर ये जंक्शन था और ये एन था। लेकिन अगर डोपिंग आप बहुत ज़्यादा हाई रख देते हो तो उस केस में ये जंक्शन की विड्थ थोड़ी पतली हो जाएगी, पहले से पतली हो जाती है, तो उस केस में क्या होगा ना कि हम थोड़ा सा भी यहाँ पे एनर्जी लगाएंगे, मतलब कि स्टार्टिंग में ही पहले ही से इसमें क्या हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन वगैरह जाने के लिए, मतलब कि जो मेजॉरिटी कैरियर है वो जंक्शन को क्रॉस करने के लिए एक्साइटेड है। और अगर हमने थोड़ा सा भी इस पर कह लीजिए कि एनर्जी दे दिया, मतलब मान लीजिए कि 0 वोल्ट के बराबर मान लीजिए, तो उसी केस में
हल्का सा एनर्जी देने पर क्या होता है कि इसमें आराम से जो मेजॉरिटी कैरियर होते हैं वो जंक्शन को क्रॉस कर जाते हैं और इसमें कंडक्शन होने लगता है। ठीक है, वही चीज़ें यहाँ पे लिखी गई कि इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, टनलिंग कहते हैं। तो इसको आप पढ़िएगा, जो मैंने एक्सप्लेन किया वही चीज़ें लिखी गई हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक के थ्रू मैं समझाना चाहूँगी इसको, आप देख लो। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ये वोल्टेज और करंट का कैरेक्टरिस्टिक शो किया गया है। करंट जो है वो मिली एम्पियर में है। ठीक है, हमने क्या किया, बहुत ही कम वोल्टेज अप्लाई किया। तो जब बहुत ही कम वोल्टेज, क्योंकि इम्प्योरिटी पहले से, डोपिंग जो है बहुत ज़्यादा पहले से कर दिया है, तो पहले ही डोपिंग ज़्यादा करने का मतलब कि उसकी इम्प्योरिटी ज़्यादा हो गई, क्योंकि नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो उस केस में मैंने हल्का सा एनर्जी दिया, तो देखिए करंट इंक्रीज करना शुरू किया। ये पॉइंट है, वैली पॉइंट है, ये जो डॉटेड लाइन दिखा रहा है ये वैली डॉट पॉइंट है। जैसे जैसे मैं वोल्टेज और भी थोड़ा सा बढ़ा रही हूँ, तो और करंट और तेज़ी से इंक्रीज़ करना शुरू किया। ये देखिए करंट इंक्रीज़ करना शुरू किया। अब अगर मान लीजिए मैंने वोल्टेज इंक्रीज़ किया और उस वोल्टेज को मैंने क्या कर दिया, पीक वोल्टेज नाम दे दिया, है ना। तो जिस वोल्टेज पे करंट आपका क्या हो गया, पीक लेवल तक पहुंच गया, ये मैक्सिमम करंट हो गया, तो वो वोल्टेज तो वीपी यानी कि पीक वोल्टेज हो गया। तो यहाँ पे आपका करंट भी क्या हो गया, पीक करंट हो गया, यानी कि मैक्सिमम करंट हो जाता है। ठीक है, चलिए तो अब हम आगे फिर देखेंगे, फिर मैं क्या करूँगी, वोल्टेज को फिर थोड़ा सा इंक्रीज़ करूँगी नॉब के थ्रू, है ना। फिर जैसे आप वोल्टेज, मतलब यहाँ पे जो आप, जैसे ये पी मैं ऐसे नॉर्मल दिखा रही हूँ, ये है ना, और आपका ये जंक्शन है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। पहले स्टार्टिंग के ही जब हमने दिया, स्टार्टिंग में ही हल्का सा ही वोल्टेज अप्लाई किया, तो तुरंत ही जीरो ही वोल्ट पे आप देख रहे हो, यहीं से आपका करंट इंक्रीज़ करना शुरू किया। ठीक है, अब जब मैं और भी वोल्टेज को इंक्रीज़ कर रही हूँ, तो करंट इस तरीके से इंक्रीज़ करना शुरू किया, है ना। फिर मैं थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर दी, तो करंट मैक्सिमम तक पहुँची, और जिस मैक्स जहाँ पे करंट मैक्सिमम हुआ उस वोल्टेज को मैंने क्या नाम दे दिया, पीक वोल्टेज। ठीक है, और इसको भी पीक करंट। अब पीक वोल्टेज से और भी ज़्यादा जब मैं वोल्टेज को बढ़ाऊँगी, तो यहाँ प्रोसेस दूसरा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ प्रोसेस अब होगा कि जैसे जैसे अब वोल्टेज बढ़ाओगे, तो करंट आपका क्या, करंट क्या करेगी, डिक्रीज़ करना शुरू कर जाती है। ठीक है, कौन यहाँ पे करंट जो होगी डिक्रीज़ करना शुरू कर जाएगी, वो मोबिलिटी के कारण होता है। ठीक है, एक मोबिलिटी होता है, वो एक अलग का कॉन्सेप्ट है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है, और यहाँ पे आकर के एक वैली करंट तक आ जाएगी, जिस और इस वोल्टेज को मैंने वैली वोल्टेज रखा हुआ है। अब मान लीजिए और भी वोल्टेज को हम इंक्रीज़ कर दें, तो बिल्कुल अनलिमिटेड करंट इसमें इंक्रीज़ करना शुरू कर जाती है, यानी कि अनलिमिटेड में मेजॉरिटी करें, बहुत ही तेज़ी से समझ लीजिए जंक्शन को क्रॉस करना शुरू करेंगे, और अब करंट नहीं रुकेगा, करंट इंक्रीज़ ही होता चले जाएगा। ठीक है, तो इस रीज़न को आप सैचुरेशन रीज़न कहते हो। ठीक है, तो ये इस तरीके की चीज़ें हैं। अब एप्लीकेशन देखो, इनको हाई स्पीड एप्लीकेशन के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कंप्यूटर में माइक्रोवेव ऑस्किलेटर में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट डायोड पढ़ेंगे, जिसका नाम है LED लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, ये भी एक स्पेशल टाइप का डायोड है, ये एक ऐसा पीएन जंक्शन डायोड है जो फॉरवर्ड बायस की अवस्था में लाइट एमिट करता है। ठीक है, ये एक ऐसा डायोड है जो फॉरवर्ड बायस की अवस्था में लाइट को एमिट करता है। आप देखते हैं वो चीज़ें कैसे, आप देखो ध्यान से, ये देखिए इसका पहले सिंबल, यहाँ पे क्या शो किया गया, बस नॉर्मल डायोड की तरह, बस यहाँ पे लाइट एमिट हुआ है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, फॉरवर्ड बायस जब रहता है आपका डायोड, तो उस केस में आपके जंक्शन के पास वाला जो एरिया होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल का रिकॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, ध्यान से सुनो, जब भी आपका डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है, नॉर्मल डायोड की अगर मैं बात करूँ, तो जंक्शन के पास इलेक्ट्रॉन और होल्स का रिकॉम्बिनेशन होता है। तो उसी तरह LED में भी क्या हुआ कि फॉरवर्ड बायस के स्टेज में जंक्शन के पास इलेक्ट्रॉन और होल का रिकॉम्बिनेशन होता है। रिकॉम्बिनेशन के कारण देखिए होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो हाई एनर्जी लेवल के कंडक्शन बैंड से, ध्यान से सुनेंगे, इलेक्ट्रॉन जो है वो हाई एनर्जी कंडक्शन बैंड से, हाई एनर्जी लेवल के कंडक्शन बैंड से लोअर एनर्जी लेवल के वैलेंस बैंड में जाता है। इस बात को आप ध्यान से सुनो कि इस केस में जब रिकॉम्बिनेशन होता है, तो इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल के कंडक्शन बैंड से लोअर एनर्जी लेवल के वैलेंस बैंड में जाता है, जिसके कारण इस एनर्जी के बराबर, यानी कि कंडक्शन बैंड और जो वैलेंस बैंड है, उन दोनों एनर्जी के बराबर के इक्वल एनर्जी का एमिशन होता है। इस तरीके से एनर्जी का यहाँ पे एमिशन होता है। ठीक है,
टोटली मिला के जब आप लाइट एमिटिंग डायोड देखोगे तो इसमें आपने देखा होगा कि लाइट एमिट होता है। ये आप एग्जांपल देखोगे सेवन सेगमेंट आपने देखा होगा, मतलब जैसे कि आप स्टेशन पे जाते होगे तो जो टाइमिंग शो करता है आपने देखा है सेवन ओ क्लॉक जो टाइमिंग शो करता है तो वो क्या होता है, उसमें कौन से डायोड लगे होते हैं, उसमें एलईडी लगे होते हैं, ठीक है। उसमें जो डायोड लगा होता है वो एलईडी होता है। फीचर्स देखेंगे, एलईडी एक स्मॉल साइज़ की डिवाइस है, एलईडी का एक ग्रुप मिलाकर अंक मतलब डिजिट या फिर अल्फ़ाबेट बनाया जाता है। यह बहुत कम वोल्टेज पर वर्क करता है, इसकी स्विचिंग भी बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, ठीक है। बाकी स्ट्रॉन्ग डिवाइस है तथा सॉक्स भी ये बेयर कर सकता है, ठीक है। तो ये इसकी क्वालिटीज़ है। एप्लीकेशंस करें तो इंडिकेटर में इसका यूज़ किया जाता है, डिस्प्ले बोर्ड में यूज़ किया जाता है, डिजिटल वॉचेस में भी यूज़ किया जाता है, कैलकुलेटर और कंप्यूटर में भी इसका यूज़ किया जाता है। इंडिकेटर में भी आपने देखा होगा कि जहाँ पे डिजिट हो या अल्फ़ाबेट को हमें शो करना होता है तो वहाँ पे लाइट एमिटिंग डायोड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फोटो डायोड, ठीक है। फोटो डायोड देखिए क्या होता है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि फोटो डायोड जो डायोड होता है वो स्पेशली रिवर्स बायस के लिए डिज़ाइन किया जाता है। तो फोटो डायोड एक ऐसा पीएन जंक्शन डायोड है जिसकी रिवर्स बायस करंट की वैल्यू उसमें पड़ने वाली लाइट की इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है, ठीक है। टोटली मिला के फोटो डायोड मतलब इस पर फोटो किसी चीज़ की पड़ रही है, तो क्या किससे की लाइट पड़ रही है, ये देखिए पीएन है, पीएन डायोड है और इसको मैंने रिवर्स बायस में कनेक्ट किया और यहाँ पे इस जंक्शन के पास लाइट क्या करेंगे, यहाँ पर लाइट इंसिडेंट कराएंगे। अब जितनी लाइट इंसिडेंट करेगी उतना ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर का जनरेशन होगा और करंट चार्ज कैरियर का फ्लो होगा, जिसके कारण इसमें रिवर्स करंट फ्लो होगी, ठीक है। तो वही चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है कि पीएन जंक्शन ऐसा डायोड है जिसकी रिवर्स बायस करंट यानी कि ये जो रिवर्स बायस करंट है वो उसकी लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा लाइट की इंटेंसिटी अच्छी होगी तो करंट भी की अमाउंट भी ऐसा ही होगी और वो थोड़ा सा ज़्यादा करंट फ्लो होगा, ठीक है। और अगर लाइट की इंटेंसिटी कम है तो उस केस में जो करंट भी फ्लो होगा वो बहुत ही धीरे धीरे और कम अमाउंट में फ़्लो होता है, ठीक है। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे उसको जो जंक्शन इलेक्ट्रॉन होल पेयर को जनरेट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो यहाँ से मिलना शुरू हो जाती है, ठीक है। अब एप्लीकेशन देखो तो लाइट डिटेक्शन सिस्टम में होता है इसका यूज़, ऑब्जेक्टिव कैलकुलेशन में एवं लाइट जैसे इन सब चीज़ें लाइट डिटेक्शन सिस्टम ऑब्जेक्टिव कैलकुलेशन प्रकाश नियंत्रित स्विच में किया जाता है, ठीक है। लाइट डिपेंडेंट स्विच में इसका यूज़ किया जाता है। तो ये सब तो थे आपके इंपॉर्टेंट डायोड जिसके बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक और डायोड के बारे में पढ़ाऊँगी जिसका नाम है शॉटकी डायोड और साथ ही साथ किस तरीके से जिनर डायोड को हम लोग वेरिएबल और जिनर डायोड को किस तरीके से हम लोग रेगुलेटर वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज़ करते हैं वो पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप तब तक इतना पढ़ना, बाकी नोट्स कर लेना यहाँ से, ठीक है। ये सब देख लीजिए, ये सब आप नोट्स कर लेना। थैंक यू।